वंदे मातरम। अभी आज हनुमान जयंती के दिन एक पूरी की पूरी शोभा यात्रा निकल रही थी, मैं शूट पे था, कोई और काम चल रहा था हमारा, और बजरंग बली के इस दिन पर आज भी वही हुआ है जो रामनवमी की शोभा यात्रा में हुआ था। ये दंगाइयों को अगर आज भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, याद रखिए कश्मीर में जो हुआ वो पूरे देश में नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होंगी। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत है, नहीं तो मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ, दंगाई साला कोई भी हो, अगर जिस हाथ से, एक बात बताइए, श्री हनुमान जयंती जो है बजरंग बली की एक रैली वहां से निकल रही, शोभा यात्रा निकल रही, इससे क्या तकलीफ हो सकती है? हिंदुस्तान में आप देवी देवता मतलब त्योहार है ना, भारत तो यार जाना जाता है इसीलिए कि हमारे हम त्योहारों का देश है, हम अलग अलग धर्मों का, अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग, हम इसीलिए जाने जाते हैं ना, चल क्या रहा है राजनीति के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? ये पूरा किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैं इस पे डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे तो एक बड़े ऑफिसर थे उनसे ऐसी बात से पता चला और ये तुरंत मुझे लगा कि इस पे रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट मतलब क्या चल रहा है भाई, मैं आज ही बैठ के मैं अभी उसी का वीडियो बना रहा था जो हुआ है मध्य प्रदेश में, और खरगोन वाले हादसे पर मैं पूरा वीडियो बना रहा, तो पता चला कि वो वीडियो पे हम रिसर्च करके खत्म ही नहीं कर पाए, वीडियो ही खत्म नहीं कर पाए, अभी दिल्ली में हो गया। अगर भारत की राजधानी के ये हाल है, भारत की राजधानी में ये हो रहा है, तो आप सोचिएगा जरूर जिम्मेदार कौन है। बजरंग बली की जयंती पर भी कुछ अलग ही चल रहा है, अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। तो यहाँ पर है कि एक वहां पर एक होते हैं चाचा, एक होती है चाची, है ना, तो वो क्या करते हैं कि चाचा जो होते हैं ना दारू पी के आते हैं और किसी भी औरत को मार देते हैं, और चच्ची बीच में आती है और चच्ची क्या करती है कि नहीं 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 यार चच्चा का तो बहुत बुरा हुआ है, उनसे जायदाद छिन गई है, ये हो गया, बुरा हो गया, चच्चा इसलिए नशेड़ी हो गए, चच्चा इसलिए वो करते हैं, तो मोहल्ले वाले क्या करते हैं, कह रहे हैं यार चच्चा चलो नशे में थे, ठीक है, और चच्चा निकल जाते हैं मार के। फिर अगली बार क्या होता है, चाचा किसी और की वाइफ को मारते हैं, तो फिर चच्ची आ जाती है। अब ऐसे करते करते निकल गए कुछ साल, फिर एक दिन क्या होता है ना, चच्चा मारे किसी और की वाइफ को, इस बार उस वाइफ ने ना चच्चा और चच्ची दोनों को पीट दिया। फिर क्या हुआ, अब चच्ची भी नहीं बोल पाई, चच्चा भी नहीं बोल पाई। प्रॉब्लम ये है, यही हो रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जो ये चच्ची बन के आ जाते हैं जब किसी की वाइफ पिटती है ना, और दूसरा कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो पहले तुमको ये बताएंगे कि जो ये लोग हमला करते हैं बेचारों की मानसिक स्थिति खराब है, बड़े गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी शिक्षा नहीं है, अरे इतना होश है इनको, पत्थर उठा के शोभा यात्रा पे मार रहे हैं, तलवारें गाड़ियां चलाना, कौन है बे? कानून है, लेकिन कानून का और सख्त होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है और पीसफुल अगर मार्च हो रहा है, पीसफुल अगर वो कोई धर्म की शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें कोई भी पत्थर चलाए, साला तलवार चलाए, गोलियां चलाने वाली बात हो रही, पुलिस के लोग वहां पर घायल हो रहे हैं, अब कहां पे मानवाधिकार वाले? तो यहां पर मैटर ये है कि अगर आज भी ये चच्ची घूमती रही ना, तो तुम्हारे हमारे घर की चच्चियां पिटती रहेंगी, हमारे घर की महिला, हमारे घर के बच्चे ऐसे ही होते रहेंगे। यहाँ मुद्दा ये है कि अब इसमें ना ये पूरी की पूरी दुकान चालू हो जाएगी, आधे हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आधे मुसलमान। बात यहाँ है, पत्थर धर्म नहीं देखता, तलवार धर्म नहीं देखती, और गोली धर्म नहीं देखती है। वो पुलिस वाला कौन से धर्म का था? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना वर्दी पहन के, उसको तुम्हारा हमारा धर्म समझ में नहीं आता है, उनके लिए मानवाधिकार क्यों नहीं है? लेकिन अगर वो लौंडे कोई दो चार ठोक जाते तो पूरा मानवाधिकार इकट्ठा हो जाता। अभी आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करिए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सबकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं मिलके एक इतना कठिन कानून बनाते हैं आप, जहां पर जो दंगा जिस हाथ से चलाए सारा हाथ कटना चाहिए। फिर लोग बोलेंगे कि मैं वायलेंस की बात करता हूं, वायलेंस की बात नहीं करता हूं, अगर कोई चीज नासूर होगी तो उसको काटना जरूरी है। जो हाथ पुलिस वालों पर, जो हाथ मासूम मजलूमों की गर्दन काटने के लिए उठता है, आज भी आप कटते देखेंगे कि साहब। अब बात यहां पे नियत की बात है, अगर कोई भी इस प्रकार की कोई, यार सिंपल से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अब एक धर्म है यार, आज एक बार बताइए हनुमान जयंती के दिन अगर ये हो रहा है, बात यहां पर ये चल क्या रहा है, समझना तो पड़ेगा दोस्त कि असल में क्या ये हो रहा है, करवाया जा रहा है। मैं नहीं हूं, लेकिन क्यों नहीं इसकी उच्चतम स्तर पर जांच होना चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे लोग हो जो वहां पर गलियों में थे, इनको अगर सजा नहीं देंगे ना, तो याद रखिएगा इस हिंदुस्तान की परिकल्पना मैंने तो नहीं की थी यार, हम बेहतर बन सकते हैं।
या तो सब मिलके रह ले या कानून के डर से ही रह ले, लेकिन कैसे भी करके नहीं, या तो मिलके रहेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस पर कोई कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी की तैसी दंगाई हो, चाहे वो कोई भी हो साले, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे किसी भी लेवल का नेता हो, उसको भी पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। अभी आप देखिए कि दंगा भड़काया किसने। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।